इसके अलावा और कोई गलती की थी क्या मेरी बेटी ने? नहीं, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी बेटी वापस आई तो एक जिंदा लाश के रूप में उसने बात करना ही बंद कर दिया। उसके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गया मैं, फिर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, एक बार भी रोई नहीं। आंखें जैसे दूर कहीं देखती रहती। बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है, लेकिन इस बात से भी उसकी हंसी वापस नहीं लौटी, जैसे जन्म मरण से बहुत दूर जा चुकी हो वो। और उसी हाल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद भी उसकी हालत वैसी ही थी। फिर एक दिन उसमें मुझे बहुत फर्क नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लाश में जान वापस लौट आई। उसने मुझे डैडी कह के पुकारा, मेरे सीने से लिपट कर तुम्हारे बारे में पूछा और फूट फूट कर रोने लगी। डैडी, अगर किसी दिन वो यहाँ हमारी बेटी से मिलने आए तो उनसे कह देना कि हमारे हंसू जहर नहीं है, और उनसे ये भी कहिएगा कि वो हमें माफ कर दे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, मैं उसे समझाऊंगा। तुम सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ। मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, ये सोचकर एक अरसे बाद उस रात में सुकून की नींद सोया। लेकिन पूजा, पूजा बेटे, पूजा, पूजा, अगर मौत ही हर गुनाह की आखिरी सजा है तो कम से कम अब तो मेरी बेटी को माफ कर ही सकते हो ना सूरज।
तुम्हारा पापा। मामी। पूजा कहकर ही पुकारती हूँ। जब से मुझे ये प्यार करने के लिए मिली, अपने आप ठीक होती चली गई। ना मैंने दवाई ली, ना एक्सरसाइज की, अपने आप ठीक हो गई। शायद इसीलिए कि ये मुझे माँ कहकर पुकारे, और जरूर उसने ऊपर जाकर मेरी जिंदगी के लिए खूब लड़ाई की होगी। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम खो देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं, और तब जब हमें उसकी उम्मीद भी नहीं होती। जाओ, अपनी बेटी पूजा को प्यार करो, दिल दिमाग और रूह से सारा बोझ उतर जाएगा। जाओ।